हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रूहानी वधवा। तो आज हम आ चुके हैं फरीदाबाद के ट्रेन रेस्टोरेंट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ट्रेन रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं और इसका एक्सटीरियर भी ऐसे का बना है बाहर से कि जैसे ट्रेन के डब्बे होते, तो ये तो काफ़ी इंप्रेसिव है। अब चलते हैं अंदर। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं ऊपर, आपको सारा कुछ ऊपर जाके बताएंगे, इसके डिटेल्स के कैसे कैसे, इसका नाम ट्रेन रेस्टोरेंट क्यों है। तो अभी आप देख सकते हो रास्ते में भी सारा इंटीरियर भी ट्रेन का ही बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब चलते हैं हम अंदर और देखते हैं। तो गाइस, अंदर भी आप देख सकते हो जो हमारे पास टेबल पे टेबल मैट है वो भी ट्रेन रेस्टोरेंट का, और पानी की बोतल भी। तो अब आपको हम दिखा देते हैं मेन्यू। तो मेन्यू के बाहर भी ट्रेन रेस्टोरेंट का ही है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा कि सारा कुछ थीम के अकॉर्डिंग है। और ट्रेन रेस्टोरेंट के जो ये है ना, वो भी काफ़ी वो है, मतलब उनके नाम भी काफ़ी अच्छे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, द ट्रेन रेस्टोरेंट वेलकम्स यू, प्रॉपर ट्रेन के हिसाब से सूप शताब्दी का, घास फूस इत्यादि। उसके बाद पंजाब मेल, अंग्रेज़ी पेटा, ठंडा ठंडा, मतलब। और साथ में ना ट्रेन की फ़ोटो दी और उसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताया है, जैसे ये प्लेटफॉर्म की ऐसे प्रॉपर, और ट्रेन्स भी बनी हुई हैं प्लेटफॉर्म की स्टॉल से प्रॉपर, एक मतलब ट्रेन्स भी बनी हुई है, ट्रैक है उनकी वो हुई हुई है। उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया, उनके ईयर के बारे में कि उस ईयर में क्या क्या हुआ। फिर अब बाकी सारा भी आप नाम भी देख सकते हो, कितने फ़नी फ़नी से हैं। खाना पैलेस ऑन व्हील्स वाला, जैसे कि आप देख सकते हो, धान की मालगाड़ी, काफ़ी मतलब यूनिक यूनिक नेम्स भी रखे हैं। फैलाने वाला रायता, काफ़ी फ़नी भी हैं यहाँ पे ना, मतलब उन्होंने अलग अलग स्टेशन्स भी बनाए हुए हैं टेबल पे, जैसे ये जयपुर का है, और अलग अलग स्टेशन बनाए हैं, एक एक टेबल को नाम दिए, जैसे ये नई दिल्ली, जो उधर है वो गाज़ियाबाद, ऐसे काफ़ी सारे नाम दिए हुए हैं हर एक टेबल को, एक स्टेशन का। और यहाँ पर हम सारे टेबल पर बैठे हुए हैं, और भी काफ़ी सारे स्टेशन है, जैसे ये आप देख सकते हो, ये हावड़ा है और ये सूरत है, मतलब हर एक टेबल को उन्होंने एक स्टेशन का नाम दिया हुआ है, लाइक कानपुर, जैसे कि आप देख रहे हो अहमदाबाद, काफ़ी सारे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। और गाइस, जो इसकी मेन चीज़ है ना, वो ये है कि ट्रेन रेस्टोरेंट का नाम इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो खाना है वो ट्रेन लेके आती है, मतलब हर टेबल पे एक ट्रैक लगा हुआ है, तो जिसका खाना होएगा वो ट्रेन उसी तरफ मुड़ जाएगी, और हमारे टेबल पे जो खाना है वो ट्रेन लेके आएगी, सिर्फ मॉकटेल्स और दाल मखनी के अलावा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी वो रिवर्स में गई थी, वहाँ पर उसका स्टेशन है असली, तो वहाँ से उसने खाना लिया है और फिर अब वापस देने जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो काफ़ी अच्छा लगा। टेबल के ऊपर ट्रैक्स बने हुए हैं और फिर ये रिवर्स में जाती है, वहाँ से खाना लेके आती है, तो काफ़ी अच्छा। आप देख सकते हो हमारे टेबल पे भी ये ट्रैक है, और यहाँ से वहाँ के वो आगे जाके बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी और हम अपना खाना उतार सकते हैं। पर एक ये भी है कि अगर हमने अपना खाना उतारना भूल गए या बातों में लग गए, तो वो ट्रेन एज इट इज़ ही अपना खाना वापस भी ले जाएगी, तो हमें फटाफट उतारना भी पड़ता है, मतलब फटाफट नहीं, 2 से 3 मिनट तो रुकती है वो हर एक टेबल पर। तो काफ़ी यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, रूहानी तो काफ़ी खुश है। तो हमने अपने खाने का ऑर्डर दे दिया था, अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट तो काफ़ी अच्छा है पर टेस्ट कैसे का है। तो हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है हमारे नान और सब्जियां लेकर, तो काफ़ी मज़ा आया हमें देखकर। ये आया हमारी दाल मखनी और ये है हमारी बटर रोटी नान। तो अभी फटाफट से इसको उतार लेते हैं, नहीं तो बातों बातों में ट्रेन वापस भी चले जाएगी। और अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। और इसकी एक ये भी अच्छी बात है कि वेटर्स आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहे हैं, जब आपका खाना खाली भी हो गया तो वो प्लेट को आप वापस ट्रेन में रख सकते हो, वो वैसे ही वापस चल जाएगी। तो आप देख सकते हो ट्रेन हमारे टेबल से जा चुकी है वापस अपने प्रॉपर स्टेशन पे, और जो आपका जूठा मतलब प्लेट वगैरह है ना, वो भी आप इसके ऊपर रख दो तो वो वापस चले जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा है कि वेटर सिर्फ मतलब दाल मखनी, लिक्विड सब्जी और मॉकटेल सर्व करने आएंगे, बाकी सारा कुछ आपको ट्रेन पर मिलेगा। तो गाइस, मतलब ये न्यू कॉन्सेप्ट तो है ही है पर इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, आप देख सकते हो सारे जने एंजॉय करके खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो अगर आप दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव के आसपास रहते हो, तो तीनों जगह पर ट्रेन रेस्टोरेंट अवेलेबल है, तो ये तो मस्ट ट्राई है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर तो आप ज़रूर आना। तो
बर्गर्स जैसा कि आप देख सकते हो, इनकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैंने साथ में कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ली थी और रोटी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, खाना तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगा मुझे एंड आई वॉज इन्जॉइंग। रूहानी को भी काफ़ी अच्छा लगा जैसा कि आप देख ही सकते हो। गाइस खाना वाना हमने खा लिया, अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।